देखते हैं डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा इसको। गाइस भागना पड़ रहा है। तेरी एक एक हड्डी दिख रही है पगले। अरे सोसाइटी में एक बाबा है, मैं लग रहा है दोस्तों पागल बाबा की हरकत देखो कहाँ चढ़ गया है। देखो यार दोस्तों ये देखो, एक केले का पेड़ कटवा दिया गया है हमारे सामने। सामने पीले केले का पेड़ है। तो गाइस ये हमारे पड़ोस में केले का पेड़ है जो वो कटवा दिया है सुबह सुबह 7 बजे। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। बज रहे हैं सुबह के 7, नहा धो लिए हैं हम लोग, पूजा वगैरह कर लिए, नाश्ते का कर रहे हैं इंतज़ार। किचन में बन रहा है नाश्ता। और नाश्ते में क्या बन रहा है? कढ़ी, पकौड़ी वाली। दोस्तों पकौड़ी वाली कढ़ी, वाह। तो अब कढ़ी, और मेरे को कढ़ी के साथ एक्चुअल में ना जनरली रोटी बहुत पसंद आती है, तो वो खाएंगे। और फिर मुझे अभी दोबारा से वैक्सीनेशन सेंटर जाना है। रीजन क्या है, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिम के, तो उनको भी वैक्सीनेशन का करवाना है। तो वहाँ पे थोड़ी सी हमारी जुगाड़ है जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन करवाई थी, तो जा रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर भीड़ भी नहीं है दोस्तों एक्चुअली। तो खाना खा के, मतलब कि हम लोग ना खाना ही खाते सुबह, तो नाश्ता वास्ता करके फिर मिलते हैं आपसे। मस्ती करेगी मस्ती। गाइस तुषार को हो रही है इचिंग ज़्यादा बॉडी में, वो होते हैं ना थोड़े से रेडिश रेडिश हो जाती है स्किन, तो रिता कुछ उल्टा सीधा खा लिया इसने। 2-3 दिन से हो रहा है इसको, कहीं बैठ जाते फिर उठ जाते। देखते हैं डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा इसको, खर्चा पे खर्चा करवा रहा है। हाँ मास्क, मास्क दे देते हैं आपको, ये लीजिए मास्क। कहाँ रखा है? ये लीजिए मास्क। तो मास्क दे दिए हमने, धो लो। तो ये वो तो धो रही हैं कपड़े छोटे छोटे वाले जो होते हैं मास्क वास्क वगैरह। और फिर ये लोग भी जाएंगे डॉक्टर के पास लेके तुषार को, तो मुझे भी जाना है अभी वैक्सीनेशन के लिए फ्रेंड के साथ। तो गाइस मैं निकल गया हूँ घर से और फ्रेंड्स लोग आ गए सोसाइटी के बाहर खड़े, तो गाड़ी में चलेंगे क्योंकि 2-3 बंदे हो गए हम। गाइस भागना पड़ रहा है क्योंकि जहाँ वो लोग खड़े हैं गाड़ी लेके वहाँ जाम लग गया है। तो गाइस आ गया हूँ मैं गाड़ी में, जाम लग गया था यहाँ पर। चलो अब चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर। तो दोस्तों आ गया हूँ वैक्सीनेशन सेंटर से, वैक्सीन लग गई है। अब मैंने ब्लॉग बनाया नहीं वहाँ पर क्योंकि कल भी हमने वहीं बनाया था, क्या बनाना आज। नहीं तो लगी पड़ी है दोस्तों। अभी तुषार का फ़ोन आया कि वो डॉक्टर के पास गए हुए थे एक्चुअली मुस्कान के साथ, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। वही तुषार के जो इचिंग हो रही है उसके लिए, तो वहाँ से फ़ोन आया तुषार का कि पापा मेरे को लेने के लिए आ जाओ क्योंकि मुस्कान को कुछ घर के सामान लेने हैं। चलो लेके आते हैं। तो गाइस कर लिया तुषार को पिक, करते हैं छोटी सी मोटो ब्लॉगिंग। तो गाइस निकल गए हम लोग नर्सिंग होम से। अरे तेरी बाप रे बाप, क्या रास्ते टूटे पड़े हैं यार ये बारिश से ना। तो गाइस अभी एक्चुअली मौसम हो रहा है एक नंबर, पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। और अभी बारिश की होती है ना हल्की सी छींटे पड़ते हैं जैसे, तो वो हो रहे हैं। और यार ये ना, तो जब ये ट्रैफिक सा होता है ना तो गुस्सा बढ़ाता है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अभी मौसम हो रहा है बहुत मस्त, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं लंबी राइड पे चलें। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ है, आप लोगों को शायद सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप एक बार यूट्यूब पे देखना, लेपर्ड वैली है एक बार, वहाँ हम लोगों का प्लान बन रहा है, फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर है। तो करेंगे वहाँ का भी प्लान, अब कब करेंगे भगवान जाने। और दोस्तों आप ये ऊपर अपना वेदर देखो, बादल देखो बिल्कुल इस टाइम मेरे ऊपर तो बिल्कुल ब्लैक हो रखे हैं। चलो गाइस अपन तो आ गए हैं हमारे, ये देखो ये बिल्कुल हमारे सोसाइटी के गेट पे ना, इतने सारे इन्होंने रिक्शे वाले खड़े जाते हैं क्योंकि मेट्रो स्टेशन है, बस इनको बस रास्ता ब्लॉक करने की आदत है। तो आ गए दोस्तों अपने हम सोसाइटी के गेट पर, एक वायद का फ़ायदा दोस्तों हमारा, हमारा सोसाइटी का गेट और मेट्रो स्टेशन का गेट आस पास ही है। हाय ऊंचा ब्रेकर उतरी। तो दोस्तों पहुंच गए हम अपने अड्डे पे, यानी कि अपनी सोसाइटी में, तो मिलते हैं आपसे सीधा घर पे।
गाइस तुषार बुरा काम कर रहा है, लॉक खोल रहा है हमारे दरवाजे का। तालियां। क्या कहा डॉक्टर ने? मसाले कम करें तो वो तो मैं बोल रहा था पहले से। वो तो जब इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, जब हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं ज़्यादा, तो सबसे पहले डॉक्टर ये बोलता है मसाले कम खाओ। और क्या बोला? मसाले बोले बस। तो ठीक है दोस्तों, अभी इन्होंने डॉक्टर को दिखा के तो आ गए। और दवाई दवाई कहाँ है? अभी लेनी है दवाई? उसमें लिखा होगा ना स्लिप में, तो दोस्तों उसको मैं देता हूँ दवाई। ये है दवाइयाँ दोस्तों। बारिश आ गई है, कपड़े उठा लो। दोस्तों कपड़े भीग गए ना, तुम उसका नहीं करना, ये काम नहीं होता तुमसे। दोस्तों बारिश आ गई थी, कपड़े उतार लिए, शुरू हो गई बारिश। दोस्तों जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है, खतरनाक बारिश। मज़ा आता है वैसे ऐसी बारिश होती है तो। देखिए आप लोग दोस्तों बारिश देखो जबरदस्त। देखो दोस्तों ये पठान युग का पत्ता आया हमारे पास। दोस्तों भयानक बारिश हो रही है, मैं फोन तो वैसे मेरा वाटर प्रूफ है। और तेरी कटोरी थी और दिल्ली के लिए मजेदार बारिश हो रही है दोस्तों। तेरी एक एक हड्डी दिख रही है पगले, तेरी एक एक हड्डी दिख रही है, तेरी हड्डियाँ दिख रही है हड्डियाँ। दोस्तों ये हमारे सोसाइटी में एक बाबा आए हुए लग रहा है। बाबा जी नमस्कार, कुछ चाहिए बाबा जी आपको? आप क्या करने आए यहाँ पर? बाबा जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों बाबा जी तो बोले पहुँचे लो। हाँ बाबा जी कुछ ले लो दान दक्षिणा। बाबा जी तो बड़े, अरे ये तो बैठ गए। दोस्तों उनको बाबा कुछ ध्यान में लग गए, अरे सुन भी नहीं रहे हैं किसी की, बिल्कुल ध्यान में लगे हैं। दोस्तों लग रहा है एक और भक्त आए हैं इनसे मिलने के लिए। ओहो आशीर्वाद ले रहे हैं, चलो बढ़िया है। ओहो एक और भक्त आए हैं आशीर्वाद लेने। ये क्या कर रहा है अबे? ये बाबा क्या हुआ, वो पागल है क्या ये? दोस्तों ये तो पागल लग रहा है मुझे, कोई बाबा बाबा नहीं है। बाबा क्या हो गया? दोस्तों पागल बाबा की हरकत देखो, कहाँ चढ़ गया है देखो यार। अरे बाबा क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे तो पागल है यार, सही में पागल है ये तो। ओए ओ पागल। तो गाइस हमारे बाबा का आतंक देखने के बाद तो मैं जा रहा हूँ अब जिम। और तुषार तो जिम जा नहीं रहा है बिकॉज उसने खाई हुई है दवाई, वो मस्त हो गए घोड़े बेच के सो रहा है। तो मैं निकलता हूँ जिम। गाइस जिम से आ गया हूँ, नहा गया हूँ, देखते हैं अभी हमारे लिए क्या बन रहा है किचन में। क्या बना रहे हो किचन में? ओ किचन में कह रहा हूँ, क्या क्या बना रहे हो लंच में आज? लंच अच्छा मेरे लिए शेक बना रहे हैं, बनाना शेक। और अभी लंच में क्या है? लंच में कह रहा हूँ यार, डिनर में जिम से आने के बाद बनाना फिर जाती है क्या? चलो देखते हैं। वैसे दाल राइस है, दाल रोटी भी हो सकती है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो दोस्तों अभी मैं जरा पहले बनाना शेक पी लूँ। राइस आ गया हमारा बनाना शेक। तो गाइस डिनर वगैरह मेरा हो गया है, तो करते हैं फिर आज का ब्लॉग यहीं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू टू ऑल, बाय।